सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्या फिर भी आप पाप करेंगे? हालेलुया। इसलिए पाप को छोड़ो अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। पाप आपकी लाइफ में ऐसे बंधनों को लेकर आएगा, श्रापों को लेकर आएगा। पाप शैतान के द्वार को खोलता है। जैसे मैंने एक वचन पढ़ा था कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि तुम इस मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर, जो परमेश्वर मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। मतलब आप इस शरीर में अगर पाप करेंगे, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा, पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, अगर आप पाप करेंगे, दिमाग की सोचों के द्वारा, गंदे विचारों के द्वारा आप पाप करोगे, आप श्री मंदिर को नाश करोगे, शैतान आपका नाश करेगा। आप मंदिर को नाश करोगे, शैतान आपका नाश करेगा। अब आपके ऊपर निर्भर है, आपने इस मंदिर को नाश करके शैतान से मार खानी है, या आपने इस मंदिर को पवित्र रखकर शैतान को मार देनी है, अपने जीवन से निकालना है, हर हिस्से से निकालना है, यहां वो काम कर रहा है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये पाप का असर होता है। अब आप पाप में, ये पाप का असर है, अगर आप चल रहे हैं पाप के असर से, केवल एक ही छुड़ा सकता है आपको, यीशु मसीह, जो पापियों के लिए आया, पापियों के लिए मारा गया और पवित्र आत्मा आपको दिया पाप से बचने के लिए। आत्मा के फल किसके हैं? आपके या परमेश्वर के? परमेश्वर के। किसके अंदर है? वो आपके अंदर है, आपने उसे यूज करना है, कोई बाहर से नहीं फल लगने। परमेश्वर मुझे फल दे दे, मुझे फल दे दे, आपके अंदर है, उसे आपने यूज करना है। प्रेयर में जाकर, बाइबल में जाकर, पवित्रता में जाकर आपने फलों को यूज करना है। प्रेम को यूज करना है, दयालुगी को यूज करना है, भलाई को यूज करना है, धीरज को, विश्वास को यूज करना है, संयम को यूज करना है। आप प्रेयर में नहीं है, बाइबल रीडिंग में नहीं, आप फलों को यूज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके वो अंदर है, फलों से आपने यूज करना होता है। मेरे अंदर आत्मा के फल नहीं है, आपके अंदर है। वचन अंदर लेकर जाओ, प्रेयर अंदर निकल जाओ, फल बाहर दिखेंगे। लोग आपके फलों को देखकर आपके साथ जुड़ते हैं, ना कि आपके गिफ्टों को देखकर। हालेलुया। आपके फलों को देखकर आपके साथ जुड़ते हैं। जो गिफ्टों के द्वारा जुड़े हुए हैं लोग, एक दिन वो आपको छोड़कर चले जाएंगे जब गिफ्ट काम करना बंद कर देंगे, पर जो फलों के द्वारा जुड़े हैं वो आपके तक हमेशा जुड़े रहेंगे। हालेलुया। परमानेंट परमेश्वर वो लोग देता है आपको। हालेलुया। तो इसीलिए अब पाप में आप गिर कैसे जाते हैं? कई वक्त मैंने देखा लोगों को पवित्रता में अचानक से चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मछली को जैसे पकड़ता है शैतान ने, जिस तरह दाऊद को बरमाया, आदम हवा को बरमाया, इसी तरह वो मीठा डालकर आपको बरमाता है और आपको अच्छा लगता है देखने में, मन भाव मजा लगता है। कोई पिक्चर गलत आ गई आपको देखने में मजा आता है, पर आप पाप में गिर जाते हैं। आपको ओ यार मैं कब गिर गया आपको पता नहीं चलता फिर। इसलिए वचन में रहना, पवित्रता में रहना आपको पाप से बचाता है। आत्मिक माहौल में रहना, आत्मिक संगति से रहना, मसीह लोगों के साथ संगति करना, चर्च लगातार अटेंड करना आपको पाप से बचाता है। हालेलुया। तो आपको बचना है उन पापों से। हालेलुया। शैतान की उन बातों से बचना है, थोड़ा सा पाप है कर ले प्रभु तुझे क्षमा कर देगा, इन बातों से आपने बचना है। शैतान बोले प्रभु को तेरा कोई फिक्र नहीं है, इन बातों से आपने बचना है, शैतान की बरमाने वाली बातों से। हालेलुया। थकना नहीं अपनी मंजिल की ओर। कई लोग मंजिल की ओर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, जब निराश हो जाते हैं और वो पाप का सहारा लेते हैं, जब वो अपनी लाइफ में फेल होते हैं वो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। कई लोगों को देखा जब वो मंजिल की ओर जाते जाते थक गए, नहीं मिली उन्हें मंजिल और वो निराश होकर अपनी लाइफ को शांति देने के लिए उन्होंने पाप का सहारा लिया, लड़कियों के पास चल गए। अब एक लाइफ बंदा वेट कर रहा है, प्रभु मेरा वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, वीजा नहीं लगा। अब जो निराश हो गया, दुखी हो गया, शैतान कह रहा है अपने इस दुख को दूर करने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए, आ जा तू पाप कर ले, मेरे पास आ, देख मैं तुझे इस लड़की का नंबर देता हूँ, देख इस लड़की को, देख तुझे कितने अच्छे ध्यान से देख रही है, इससे बात करना शुरू कर, इसका नंबर मांग। ऐसे लोगों के, लड़कियों के द्वारा, लड़कों के द्वारा आपके जीवन में आएगा और आपको बरमा लेगा, निराशा के द्वारा आपको पाप की ओर ले जाएगा। एक बंदा पाप करता कब है? जब वो निराशा में जाता है, जब वो अकेलेपन में जाता है। इसलिए लिखा
आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब आपका मन निराश होता है पाप की ओर गिरते, इसलिए मन को निराश ना होने दो। प्रभु का आनंद आपका बल है, प्रभु के हमेशा आनंद में रहो, बाइबल में लिखा है। प्रभु का आनंद आपका बल है, बाइबल में लिखा है। इसलिए प्रभु के आनंद में रहो ताकि जो पाप में ना गिर पाए। वर्शिप करो, आराधना करो, मसीह लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, चर्च के साथ संगति करो, यूट्यूब में यीशु मसीह की वचनों की फिल्म देखो। तो इसीलिए आप आत्मिक माहौल में रहो तो आप पाप में नहीं कर पाएंगे। वचन को अंतर रखो तो आप पाप नहीं कर पाएंगे, वचन आपको पाप से बचाता है। हालेलुया। तो इसीलिए इन पापों में आपको जाते, जब आप अकेलेपन में जाते, मैं आपको बताता हूं एक और बड़ा सीक्रेट। पाप में गिरने से पहले प्रभु आपको बार बार पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, हलाता है, जुम्बस करता है आपके ऊपर कि प्रार्थना में चला जा। 15 दिन हो गए तूने प्रार्थना नहीं की, 10 दिन हो गए। जब जब आपकी प्रेयर कम होगी, आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है फेसबुक में गलत देखने को, नेट में गलत देखने को, गलत चैनल पर रुकने को, संसारिक सॉन्ग सुनने को, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है उन चीजों में। लड़कियों को देख रहे हो, लड़कियों को बात करने की चाहत आ रही है, व्हाट्सएप में लड़कियों की पिक्चर्स देख रहे हैं, किसी से बात करने की इच्छा आ रही है। जब जब प्रेयर में, बाइबल में कम होंगे, संगति में, चर्च की संगति में कम होंगे, आपका मन धीरे धीरे इन चीजों की ओर जाएगा। और उस समय एक बार ध्यान से पहचानना आपकी लाइफ में होता है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, नहीं रुक जा बेटे, रुक जा, प्रार्थना में चला जा। आपका मन अंदर से वचनों के द्वारा, प्रचारों के द्वारा, प्रभु पास्टरों के द्वारा, बहुत सारे प्रचारों के द्वारा बात कर रहे हैं, प्रेयर में चला जा, प्रेयर कर, बाइबल रीडिंग स्टार्ट कर, रोजे स्टार्ट कर। और आप जब उस बात को इग्नोर करते हो, पवित्र आत्मा तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मेरी लाइफ है, तो आप पाप में गिरते हो। हालेलुया। आप इग्नोर कर देते हो उन बातों को, पवित्र आत्मा की सुनते नहीं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे देखते हैं शैतान आपके पास बड़े पाप को लेकर आता है। एकदम से वो बड़ा पाप निकले नहीं आएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पाप आपकी लाइफ में रखता जाएगा। आपसे गुस्सा करवा दिया, आपके अंदर किसी के प्रति जलन पैदा कर दी, आपके अंदर किसी लड़की को आप देखने की चाहत पैदा कर दी। अभी कुछ गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं सोचा, चाहत पैदा कर दी। अभी किसी से, किसी लड़कियों का नंबर आपको मिल गया और उससे बात करना शुरू कर दिया आपने, क्या खाया, क्या पिया, क्या आज किया, क्या कर रहे हो, और सुनाओ जी, आपको इंटरेस्ट बढ़ा। धीरे धीरे ये आपको पता नहीं चलेगा कि मछली की, मछुआरे की तरह कुंडी डाली गई है। आपको अच्छा लग रहा है, देखने को मन भाव लग रहा है, मछली को अच्छा लग रहा है, और एक दिन आप बड़े पाप में गिर जाएंगे। फिर आप पछताओगे ना, आप बैक आ पाएंगे ना, आप जिस तरह नशा में फंसने वाला बंदा वापस नहीं आ पाता, व्यभिचार में गिरने वाला व्यक्ति व्यभिचार में बढ़ता रहता है। तो फिर जब दुष्ट आत्मा कब्जा कर लेगी आपको, डिलीवरेंस के बिना आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे मैं नहीं करना चाहता, मुझसे होता है, क्योंकि अब बंधन बन चुका है वो। अरे अभी टाइम है, वो दुष्ट आत्मा भी लेवल छोटा है, निकाल दो उसे अपने जीवन से। फैसला करो प्रभु की हजूरी में जाने का। प्रभु आपको बार बार अगुवाई कर रहा है, इग्नोर करोगे फिर आप पाप में गिर जाएंगे। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ, आप मुझे देख रहे हैं, बहुत बार पवित्र आत्मा ने कहा प्रेयर कर, आपका मन होता रहा प्रेयर कर, 3-4 दिन प्रेयर कर, आपने नहीं की, और आपने देखा 5वें दिन आप पाप में गिरे थे। पवित्र आत्मा आपका हेल्पर हमेशा आपको बताता है, वो धक्के से आपको काम नहीं करवाएगा, वो आपको अगवाई करेगा। याद रखो, धक्के से आपको प्रेयर में नहीं बिठा देगा, वो आपको अगवाई करेगा अंदर से। करना आपका काम है। शैतान भी धक्के के साथ किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वो मन में अटैक करता है, पवित्र आत्मा भी अंदर अटैक करता है। इसलिए अंदर स्ट्रांग करो। अगर शैतान धक्के से अटैक करना है तो ऐसे प्लेन क्रैश कराई जाए, वो पायलट के अंदर जाए और धक्के से उसे प्लेन क्रैश करवा दे, कितना कर लेगा वो। हालेलुया। वो मन में डालता है, परमाता है पहले, फिर वो बड़ा काम करवाता है एक व्यक्ति से। हालेलुया। इतनी पावर उसकी मजाल नहीं है कि परमेश्वर के पुत्रों पर, परमेश्वर की बनाई हुई लोगों पर, इंसान पर वो खुलेआम काम कर सके। हालेलुया। जब आप उसे रिस्पॉन्स देते हैं शैतान को, वो काम करता है। ओ जी शैतान ने ये करवा दिया, मैं तो शैतान ने मुझसे वो करवा दिया, शैतान ने पाप करवा दिया। कई लड़कों को, लड़कियों को देखा, पास ही शैतान ने मुझसे पाप करवा दिया, शैतान ने मुझे फिर गिरा दिया। अरे शैतान को आप मौका देते तो ही गिराता है ना। शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने ये कर दिया, पास शैतान ने वो कर दिया। अरे शैतान ने नहीं किया। हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में गिरकर, लिखा है, परीक्षा में पड़ता है। और परीक्षा जब गर्भ अभिलाषा में गिरकर पाप में पड़ता है, जब पाप जब गर्भवती होता है तो वह नाश को जन्म देता है, बीमारियों दुखों को जन्म देता है। आप अपनी अभिलाषा में गिरकर पाप में जाते हैं। शैतान नहीं करवाता, परमेश्वर नहीं लेके आता पाप आपके जीवन में परखने के लिए। बुरी बातों से परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। आप अपनी अभिलाषा में, अकेलेपन में जाकर,
मैं किया, मुझे लगा, मैंने सोचा कि दारा प्रभु माफ कर देगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं, अपनी संतुष्टि पूरी करने के लिए आप पाप करते हैं। इसलिए जब आपकी आज यही रेवलेशन, एक ही रेवलेशन ध्यान से समझ लो, जब आप प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ती, आपकी आत्मा सूख जाती है, कमजोर हो जाती है और वो पाप से फिर लड़ नहीं पाती, क्योंकि शैतान भरमाने वाली ताकत फिर वो लड़ नहीं पाती। इसलिए आत्मा को मजबूत करो। आत्मा की खुराक क्या है? वचन। उसे वचन दो, उसे प्रेर दो, उसे रोजे दो, अन्य भाषा में प्रेर करो, उसे आराधना करवाओ, तो आपकी आत्मा मजबूत होगी और वो हर शैतान के जलते तीरों को बुझा देगी जो आपके खिलाफ है। हालेलुया। तो आज केवल मैं इतना ही आपको देता हूं, आप अलर्ट हो जाओ, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो, डर रखो उसका, पाप में ना जाओ। हालेलुया। मैं नहीं चाहता आप पाप का आपकी लाइफ में असर है और आप शैतान के कब चलाए चले। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। जो इन दिनों में उपस्थिति और अभिषेक के विषय में सिखा रहा हूं, प्रभु ने मुझे आज यही सिखाने को कहा कि ऐसा ना हो जो चलते चलते उपस्थिति में अचानक से गिर जाए। इन्हें अलर्ट कर दे, इन्हें चौकन्ना कर दे, इन्हें चौकस कर दे। लेकिन जो खड़ा है वह चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। देखो वो पत्रस जो कहता था प्रभु मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, साथ साथ बाकी चले बोले प्रभु हाँ हाँ हम तेरा कभी इनकार नहीं करेंगे। जब रात को प्रभु ने कहा जागो चलो प्रार्थना करो, वो सोए पाया। फिर आया प्रभु ने कहा जागो एक प्रार्थना करो, सोए पाया। फिर कहा जागो मेरा पकड़ने वाला आ रहा है, फिर सोया पाया। फिर प्रभु ने कहा सोते रहो क्योंकि मेरा पकड़ने वाला आ चुका है। पत्रस क्या तू एक घंटा मेरे साथ जाग नहीं पाया? देखो जो कहता था प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ है। प्रभु भोज में इकट्ठे बैठे हैं, एक आत्मिक माहौल में बैठे हैं, प्रभु की भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, प्रभु बता रहा है एक आपके बीच में मुझे एक पकड़वाएगा। ऐसी बात इंटरेस्टिंग भविष्यवाणी की तरह इतना इंटरेस्ट हो चुका, कितना आत्मिक माहौल होगा। आत्मिक माहौल में कोई भी जोश में बोलेगा प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा कभी नहीं इनकार करूंगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे मसीह में आके बैकस्लाइड हो गए, जो प्रभु में बहुत आत्मिक थे, बहुत ऊंचे लेवल पर थे, वो उन लोगों को मैंने गिरते देखा। इधर मेरे टीम का मेंबर बोलता है पास कैसे गिर जाते इतने बड़े बड़े आत्मिक लोग। जब प्रेयर कम होगी, बाइबल रीडिंग कम होगी, आप गिरोगे। तो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। पत्रस एक घंटा भी प्रेयर कर लेता, हालेलुया, प्रभु कहते तू एक घंटा भी जाग नहीं पाया। शरीर हावी था, नींद हावी थी। क्यों आपका जो शरीर की नींद आपके ऊपर हावी होती है? क्यों आपको नींद आती है प्रार्थना वक्त? क्यों आपको ज्यादा नींद आती है? क्यों आपकी अभिलाषा गंदा गंदा देखने को मन करता है, गंदा करने को मन करता है? क्योंकि आप जन्म से ही पाप में पैदा हुए हुए। सारा संसार दुष्ट के बस में, शैतानी आत्माओं के बीच में जो पृथ्वी पर काम कर रहे, आप उनके बीच में रह रहे हो। आप पाप में पैदा हुए, इसलिए आपका शरीर पाप करने को करता है, मन करता है। हालेलुया। जब अभिलाषा प्रकट करती है, इसलिए आप इसका इनकार तब तक नहीं कर सकते जब आपके पास वचन नहीं है और प्रेयर प्रार्थना पर आपका जीवन निर्भर नहीं है। यीशु का प्रार्थना पर जीवन निर्भर था और वचन यीशु के अंदर था और उपवास में थे यीशु मसीह। ये तीन चीजें, लेकिन जो डोरी तीन धागों से बनी है कभी टूटती नहीं, प्रार्थना, उपवास और वचन। तीन चीजें यीशु मसीह में थी, वचन की नॉलेज, लिखा है करके, और उपवास में थे यीशु मसीह। अब शैतान उसके पास आया और यीशु मसीह के पास पवित्रता में थे, रोजों में थे, प्रेयर में थे, प्रार्थना में सुबह उठ के प्रेयर करते थे, रात को प्रेयर करते थे। तो इसीलिए प्रार्थना पर निर्भर था, इसलिए शैतान का सामना कर पाए यीशु मसीह, शैतान भाग गया। हालेलुया। तो इसीलिए आपको अब ये चीजों को समझना है, पाप को जगह ना दो अपने जीवन में। हालेलुया। अकेलेपन में ना जाओ, अपने को बिजी करो, अपने को फ्री मत रखो, बिजी करो, आत्मिक लोगों के साथ संगति करो, कुछ भी करो। अकेले मन में जाएंगे तो पाप आपके अंदर आएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल के पाप को ना करेंगे, मतलब आपका मन कर रहा है गलत करने को, आपने नहीं किया, वचन को आदर दिया, आपको एक प्रपोज आ रहा है, लड़की फंसा रही है आपको, पर आप उसके पीछे नहीं गए, आपको कोई लालच दे रहा है, आप उसके लालच के पीछे नहीं गए, तो प्रभु प्रसन्न होता है आपसे कि इसने पाप को ना की है, इसने मेरी आत्मा की आवाज सुनी है, अब इसे प्रसन्न होकर मैं आशीष दूंगा। ऐसी बरकत आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया। जो लोग पाप में चल रहे हैं वो अपने पश्चाताप करें, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन धन्य है जिसकी पाप का लेखा यहोवा ना ले। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया।
वो आपको माफ करेगा, फिर से गले से लगाएगा, मतलब अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा। उस पाप के कारण कुछ तो आपको इफेक्ट सहना पड़ता है। बचपन में हम गेम खेलते थे ना, अगर शे आ गया शे नंबर चले गए, तीन आया तीन नंबर चले गए, सीडी आ गए तो हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, मतलब सांप का डंग वजह सीधा नीचे आ जाएंगे। तो जब आप ऐसे ही मतलब बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, तीन आ गए छे आ गए, अब आप 50 में पहुंचे, 51 में सांप है, आपको एक आया, आप सांप ने डंग मारा और आप सीधा नीचे आए। यही चीज है बस पाप करने की तरह, जा तो आप 5 पे आ जाएंगे या 10 पे आ जाएंगे या 30 पे आ जाएंगे, आप नीचे जाने वाले हैं। फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, असर ये होगा आपका। क्षमा वो आपको कर देगा, फिर से पवित्र आत्मा देगा, फिर से अपना होली स्पिरिट देगा, ताकि आप पाप से बच सके, फिर से प्रेयर कर सके, बाइबल पढ़ सके, आपका मन हो जाएगा प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। तो इसलिए आप प्रभु से अनुग्रह मांगे, माफी मांगे। जो पवित्रता में खड़े हैं वो कहें, प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा मैं आत्मिक माहौल में बना रहूं, ताकि तेरे विरुद्ध कभी पाप ना करूं, तेरा वचन अपने हृदय में हमेशा रखूं, तेरे विरुद्ध पाप ना हो मुझसे, कभी जे संगति मेरी टूटे ना। तो इसीलिए फैसला करो, प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु मैं खड़ा रहूं।